आठवें अध्याय की चर्चा चल रही है, जबकि हम आठवें अध्याय के सातवें श्लोक की चर्चा कर रहे थे, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां अनुस्मरयुज नैयति मनोबुद्धि मामे वैशेष संशय। इसलिए हे अर्जुन, क्यों इसलिए? क्योंकि पहले कहा था अंत काले के मामे व स्मरण मुक्वा कलेवरम यह प्रयादि समझाव यादि नाश से संशय है। जो व्यक्ति अंत काल में मेरे को ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इससे कुछ भी संशय नहीं है। तो क्योंकि ईश्वर का स्मरण यदि हम अंत के समय में कर ले, जब हमारा शरीर त्याग करने की बात आ जाती है, जब हमारा शरीर का अंत होने वाला है, जब हमारे प्राण निकलने वाले हैं, उस समय यदि हम ईश्वर का स्मरण कर ले तो हम ईश्वर के साक्षात स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे, इसमें कुछ भी संशय नहीं है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। नास्तिक ज्ञाति नास्तिक संशय अत्र संशय न अस्ति, बिल्कुल इसका संशय मत रख। निसंदेह यदि मेरा स्मरण करते करते तूने अपना प्राण त्याग दिया तो यह निश्चित जानना कि तू मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होगा। कहने का मतलब तुम्हारी सद्गति होगी, तुम्हें पुनर्जन्म के वो आवागमन के चक्कर में नहीं जाना पड़ेगा या अधोयोनि में नहीं जाना पड़ेगा। मरने के बाद हमको तो मालूम नहीं क्या होता है, शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहते हैं, हमारे कर्मों के अनुसार हमको उसके बाद भी योनि प्राप्त होती है। उसने भी हमने कहा कि मतभेद है, कुछ लोग कहते हैं एक बार मनुष्य होने के बाद फिर यदि उसने बहुत खराब काम किया होगा, कितना भी खराब काम किया होगा, मनुष्य योनि में ही वो जन्म प्राप्त करेगा। भले ऐसा हो सकता है कि वो लंगड़े के रूप में जन्म ले, अंधे के रूप में जन्म ले, मेंटली डिफेक्ट या फिजिकली डिफेक्ट के रूप में या गरीब के घर में जन्म ले, अलग बात है, परंतु मनुष्य के रूप में ही जन्म लेगा। जबकि कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि नहीं, अधोगति भी हो सकती है, भले 84 लाख योनियों में से अमीबा से लेकर के इवोल्यूशन होता 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 क्रमशः मनुष्य योनि को प्राप्त होता है, परंतु यदि उसने बहुत ही खराब काम किए हों तो फिर से उसकी अधोगति हो सकती है, फिर से मनुष्य योनि में से वो पशु योनि में पक्षी योनि में आ सकता है। कुछ समय के लिए वो कर्म जब समाप्त हो जाएगा उसके बाद में वह फिर से मनुष्य योनि को प्राप्त होगा। विशेष करके जो आत्मा क्या करते हैं उनके बारे में कहा गया कि वे कुछ समय तक के लिए प्रेत योनि में रहते हैं, बाद में वो जड़ योनि में जाते हैं, जड़ योनि में कुछ समय तक अपना वो कर्म क्षय करने के बाद फिर वो मनुष्य योनि प्राप्त करेंगे। तो जो भी होगा ऐसे मतभेद हैं, पर इतना तो निश्चित है कि जिसका भी जन्म हो उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई उसका जन्म निश्चित है। कोई ना कोई उन्हें जन्म लेगा और मनुष्य में जन्म लेगा तो पहले से जन्म लेगा। या ये हो सकता है उसने बहुत अच्छे कर्म किए हो तो कुछ समय के लिए पूर्व लोक में जाए, जिसको स्वर्ग कहा गया, वो विभिन्न प्रकार के लोगों की कल्पना की गई, वहां उस समय तक अपने जो पुण्यों के स्वरूप फलस्वरूप वह कुछ कुछ पद में, जैसे यहाँ पर मिनिस्ट्री, किसी को फाइनेंस मिनिस्ट्री मिली, किसी को होम मिनिस्ट्री मिली, ऐसे वहां पर भी स्वर्ग में कई कई देवता है अपने अपने मिनिस्ट्री मिली, पर वो कब तक? 5 साल तक, फिर से इलेक्शन होगा। जहां क्षीण पुण्य कर्म लोग क्षीण पुण्य मध्य लोगों की शांति, जहां कर्म क्षय हो गया तो फिर उसका वो मनुष्य योनि में आएगा, फिर पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी व्यतिरेक्षेण इस संसारे भोग उत्तारे कृपया पाव आयु मुरारे
ब्रज गोविंद ब्रज गोविंद जो आदि शंकराचार्य कहते हैं कि मानो वो चक्कर चलता रहता है। तो इसलिए केवल वही लोगों को यह जो विभिन्न प्रकार के लोगों का गमन या कुछ समय के लिए अच्छे लोगों का गमन फिर से पुनः जैसे पुण्यक्षय हुए तो फिर से पुनः आगमन पुनः पुनः जन्म लेना और पुनः पुनः ये सब प्रकार की प्रक्रिया एक बार जो जन्म लिया तो उसके बाद से जो रोना शुरू हुआ जन्म के साथ वो रोना मौके तक चलता रहता है। बीच बीच में थोड़ा हंसा वो लाखपत बनने जाके बाद कुछ कुछ हंसने का प्रयत्न करता है। अभी भी लाखपत ने दे गया लाखपत दे रखना पड़ता है क्योंकि हंसी ऐसे तो आती नहीं अभी आर्टिफिशियल हंसी उसके लिए लाखपत के मैनेजर मैनेजमेंट पर रहते हैं कि कैसे करके जबरदस्ती आपको हंसा है और बेचारे लोग प्रयत्न करते हैं पर हंसी तो भीतर की बात है कैसे आएगी फिर भी करते हैं। ये लाखपत क्लब में जाके एकाधो दिन जो लाखपत आई तो नहीं बाकी जो जन्मों में जो रोना शुरू किया पहले जन्म के साथ ही रोना शुरू करता है और यदि नहीं रोना शुरू करता है तो बाकी लोग रोना शुरू करते हैं क्योंकि ऐसा कहते हैं कि यदि जन्म के साथ नहीं रोया तो फिर वो बचेगा नहीं मृत्यु हो जाएगी क्योंकि वो जो रोता है वो इसलिए कि वो बाहर की हवा लेने के लिए वो हवा जब रोता है तभी उसकी हवा बाहर की हवा अंदर आती है। अभी तक तो उसको प्राणवायु मिल रही थी नली के माध्यम से नली जैसे काटती तो तुरंत उसको हवा मिलनी चाहिए तो यदि उसने रोया नहीं तो तुरंत अभी आर्टिफिशियल बोलो एबीसी प्रक्रिया है उसकी एबीसी प्रक्रिया के द्वारा उसको बचाने का प्रयत्न करते हैं पर ऐसा मानते हैं कि यदि नहीं रोया तो फिर बचेगा नहीं आर्टिफिशियल प्रक्रिया तुरंत करनी पड़ती है। तो वो जन्म के साथ ही रोया रोता रहता है बीच बीच में कभी वो फिर रोया उसके बाद में मुंडन कराया तब रोया और इस प्रक्रिया में उसको पास होना पड़ेगा फिर नए दांत आए तब दांत निकाला तब रोया वो कहीं रहता है रोते रहता है स्कूल जाने के लिए कितना रोता है तो जबरदस्ती उसको रो कर उसको निकालते फिर स्कूल में जाना फिर परीक्षा में बैठना उस समय रोता है ये रोते ही रहता है कुछ समय बीच में एक आध साल रोता है क्योंकि वो पढ़ते पढ़ते फिर वो परीक्षा का टेंशन शुरू हुआ फिर परीक्षा में पास हो गई उसका नौकरी का टेंशन नौकरी अच्छी लगी तो फिर अच्छे मैचिंग का प्रश्न अच्छा मैचिंग हुआ बाई चांस वैसे मैचिंग होना तो बहुत मुश्किल है मान तो हो गया तो एक आध साल जो हनीमून बनाया वो हनीमून जितना बनाया उतना दिन बस हनीमून बाकी सब फिर से रोना शुरू किसान लोग का झगड़ा ये करना वो करना वो रोता 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 फिर जो हॉस्पिटल में गया बच्चा पैदा हुआ उसका एक प्रॉब्लम फिर बच्चों को एडमिशन देने का प्रॉब्लम इसके बाद एक के बाद रोना शुरू होता है वो आखिर में जब तक पड़ता तब तक रोता है। तो ये इस प्रक्रिया में से बचना है ये रोने की प्रक्रिया से बचना है सदगति करनी है तो भगवान श्री कृष्ण उपाय बताते हैं अंत काल के मामले वह स्मरण मुखवा कलेवन यह प्रयादि समद्भाव यह भी नाश्ते से संशय जो व्यक्ति अंत काल में मेरे को ही स्मरण करता हुआ मेरे को त्याग कर जाता है वो मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है इसमें कुछ भी संशय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जानते हैं कि ये जो अर्जुन जो है वो आधुनिक मानव के समान है संशय ग्रस्त हो जाएगा उसके लिए फिर से बोलते हैं संशय बिल्कुल मत रख निसंदेह जो मुझे मरते समय स्मरण करेगा उसकी सदगति होगी वो मेरे को भी प्राप्त होगा अर्थात अनंत सुख अनंत ज्ञान अनंत आनंद को प्राप्त होगा वह अनंत धाम को प्राप्त होगा उसके बाद कोई जर्नी नहीं है दैट इज द डेस्टिनेशन अल्टीमेट डेस्टिनेशन उसके बाद और कहीं जर्नी करने की आवश्यकता नहीं रहेगी फिर कोई प्रकार का रोना धोना नहीं किसी प्रकार का दुख नहीं सभी दुखों से निवृत्ति सभी दुखों से मुक्ति सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति इसी का मुक्ति या मोक्ष कहा गया या ईश्वर की प्राप्ति यह प्राप्त हो जाएगी किसको अंत समय में जो मेरा स्मरण करेगा फिर अंत समय कब आएगा बस यही प्रॉब्लम कि अंत समय यदि हमको पहले से बोल दिया गया है कि भाई ये आज से 50 साल बाद
फलाने तारीख को इतने बजे आप काम के बाद, तो फिर बस हम लोग अभी मजा करेंगे उस दिन 21 मई 2050 को, बस उस दिन 7:15 बजे सुबह है, 7:14 तक मजा करेंगे, 7:15 को भगवान का नाम लेंगे तो मुक्ति हो जाएगी, ये हम लोग सोचते हैं। परंतु ऐसा नहीं, क्योंकि हमारे मन में, हमारा जो सबकॉन्शियस है, साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि यदि जो कुछ भी हमने सारे दिन में सोचा होगा वही रात को है। आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए, रात को जब हम लोग सब काम निपटा करके रात को जब सोने जाते हैं, ये भी एक प्रकार के मानो समझिए दुख है, 8 घंटे के लिए दुख हुई है, एक टेम्परेचर में दुख हुई है। तो ये जो रात को हम सोए, सारे दिन के जो कुछ भी काम किया, सब कुछ किया, रात को सोने के समय हमारे मन में क्या विचार है, जो विचार हमने सारा दिन किया होगा वही विचार है स्वाभाविक। यदि हमने सारा दिन शेयर मार्केट का दाम दिया कि भाई अभी ये नया मिनिस्ट्री हुआ तो बहुत शेयर मार्केट के दाम बहुत बढ़ रहे हैं, एकदम ये सभी लोग एकदम मजे में आ रहे हैं शेयर मार्केट का, तो सारा दिन वो बस वही देखता रहता कंप्यूटर में क्या कौन सी कंपनी का क्या शेयर मार्केट है, देखते सारा दिन उसने वही काम किया। अभी रात को सपने में क्या आएगा, थोड़ी भगवान आएंगे उसको शेयर मार्केट ही आएगा, क्योंकि सारा दिन उसने यही किया। तो ये स्वाभाविक है, सारे दिन में हमने जो काम किया वही काम हमको रात को याद आएगा। इसीलिए यह जो साइकोलॉजिकल फैक्ट है उसको याद में रखते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तस्मा सर्वेश कालेषु, इसलिए सब समय तू मेरा स्मरण कर। क्यों? क्योंकि पता नहीं कब मृत्यु आई, यह अंतकाल कब आएगा पता नहीं। ये विश्व में सबसे अधिक जो निश्चित वस्तु है वह है मृत्यु, इससे ज्यादा निश्चित कोई वस्तु नहीं है। जाकर से ही दो जन्म मृत्यु, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, मृत्यु तो होगी। आज तक एक भी व्यक्ति विश्व में ऐसी नहीं हुई है जिसकी मृत्यु नहीं। ये हो सकता है कि 100 साल से ऊपर भी कोई जी जाए, अभी शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड किसी ने किया 119 साल का कोई आदमी है, तो वो 119 साल की उसकी उम्र है, अभी तक 119 साल की उम्र ऊपर कोई जिया नहीं, ऐसा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार। वैसे हम लोगों किसी ने कहा कि एक सन्यासी है जिनको मैं मिलने भी गया, ऐसा कह रहे हैं कि वो 125 साल की उम्र के हैं और उन्होंने श्री रामकृष्ण के दर्शन किए हैं बहुत छोटी उम्र में, और माँ शारदा से उन्होंने दीक्षा प्राप्त की है, पर वे अपने आप के बारे में कुछ बोलते नहीं है, पर ये सब उनके बारे में बोलते हैं। वहाँ हिमालय के पास में हिमाचल प्रदेश के उन्हें रहते हैं, उनके दर्शन करने के गया, आशीर्वाद भी लिया, स्वामी विश्वदानंद जी करते हैं वो, तो उन्होंने बाहर के सन्यासी हमारे रामकृष्ण मिशन के नहीं, पर रामकृष्ण माँ शारदा देवी की उन्होंने पूजा की है, वहीं पर उन्होंने मंदिर रखा है, माँ शारदा देवी से ही उन्होंने दीक्षा ली है। तो ऐसा कहते हैं कि वो 125 साल की उम्र है और वो बहुत छोटे थे तब उन्होंने रामकृष्ण के दर्शन किए थे, उनके घर के पास रामकृष्ण जब आए थे तब बहुत छोटे थे। तो जो भी होगा माँ शारदा से दीक्षा ली, ये तो बात उन्होंने खुद ने स्वीकार की, और ये रामकृष्ण का भी उन्होंने बहुत पहले कहा था भक्तों को, एक बार वो अपने बारे में बोलते नहीं, पर किसी वक्त किसी भक्तों ने टेप रिकॉर्ड कर लिया तो उन्होंने जो जो बातें इनफॉर्मली कही थी उससे पता लगा। तो जो भी होगा नॉर्मली यदि हमको अभी तक तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में होता है 119 साल की उम्र तक कोई दिया, अच्छा मान लो 125 साल इनका भी ठीक मान लें तो देर तो जाएगा 2 साल बाद 5 साल बाद। तो आज तक एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसका जन्म हुआ हो और मृत्यु नहीं, या तो होगी मृत्यु या होगी, पर आज तक ऐसा तो हुआ नहीं इतने हजारों सालों में कि कोई मनुष्य ऐसा हो कि जिसकी मृत्यु नहीं हुई। यह देह इस देह को टिकाया नहीं जा सकता,
हालांकि वो इजिप्ट के लोग जो ऐसा करते हैं, हाजी पेपर में आया आपने देखा यहाँ पर मम्मी है, यहाँ पर म्यूजियम है वहां मम्मी रखते हैं। ये मम्मी क्या है? मम्मी और कुछ नहीं है, वो इजिप्शियन लोगों के इसका मानना था कि जब तक शरीर रहेगा तब तक उसमें प्राण रहेगा, जहां शरीर खत्म हो जाएगा उसे बेचारा मर जाएगा। उनकी ये कल्पना थी कि शरीर जब तक हमारे अभी तक हमें शामिल, तो इसलिए वो शरीर को कैसे भी करके प्रिजर्व रखने के लिए बड़े बड़े राजा लोग इस प्रकार से मम्मी जो रहती थी उनकी, तो बाकी लोग तो नहीं कर सकते थे उतना अफोर्ड, पर राजा लोग को पैरों में उनको अपना जाता था, उनकी पिरामिड बनाते थे, उनकी सारी जिंदगी पिरामिड बनाने जाते थे कि मरने के बाद उनको वहां रखा जाएगा, मरने की तैयारी में सारी जिंदगी चली जाती थी। एक एक पिरामिड की कितनी कीमत होती है, 25-30 साल लगते हैं पिरामिड बनाने, वो पिरामिड के भीतर भी एक मम्मी रखी जाती है। अभी भी एक मम्मी है यहाँ पर बड़ौदा में, सहजराव गायकवाड़ नायक, तो ये मम्मी और रखी जो है अर्जाचित की जो है, तो उनका ये मानना था उसको केमिकल्स के द्वारा उन्होंने उसको प्रिजर्व करके रखा है। उनकी ये धारणा है कि जब तक ये शरीर टीका रहेगा तब तक वो आदमी या मनुष्य वो जीवित रहेगा, यदि वो शरीर नष्ट हो जाएगा तो वो मनुष्य भी नष्ट हो जाएगा, इसलिए वो लोग भूमि को रखते थे प्रिजर्व करके, इजिप्शियन लोगों की धारणा। परंतु यहां तक हम लोगों का आर्थिक संस्कृति का जो हमारी परंपरा है हम तुरंत उसको जला देते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि प्राण एक अलग चीज है, आत्मा अलग है और शरीर अलग है। जब शरीर में से जीवात्मा निकल गई फिर ये तो खोखला मास है, पैकिंग बॉक्स, असली चीज वहां से जवेरा आया, मान लीजिए एक बॉक्स है, आपने बहुत ही अच्छा करोड़ों रुपए का एक हीरा डायमंड खरीदा, उसको बॉक्स में पैक करके दिया, आपने जब डायमंड निकाल दिया तो फिर उस बॉक्स को फिर हम लोग फेंक देते। उसी प्रकार से जब इसमें से जीव निकल गया तो फिर ये बॉक्स की कोई कीमत नहीं है, इसलिए हम लोग उसको जला देते, ये भारतीय परंपरा। पर कुछ लोग उसको रखते हैं कि शायद इसमें से प्राण जाए तो उसको फिर डांट देते हैं, इसको कवर में डालते हैं, क्योंकि उनको अभी भी ये थोड़ा सा ये लगता है कि नहीं शायद इसमें से प्राण वापस भी आ जाए, तो उसको रिजर्व करते, उसको नष्ट नहीं करते, पर हम लोग पंचभूतों में उसको विलीन करते। जो भी होगा, कहने का मतलब यह है आज तक कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं हुआ जिसका जन्म हुआ है और मृत्यु नहीं हुआ, और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण तस्मा, इसलिए क्योंकि जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के समय मेरा स्मरण होगा कभी मेरा कल्याण है, और मृत्यु कब आएगी निश्चित नहीं है, कभी भी मृत्यु आ सकती है, किसी भी क्षण आ सकती है, किसी भी चीज किसी भी क्षण तस्मा सर्वेश मानव शरीर सब समय को मेरा स्मरण कर, सब समय मेरा स्मरण कर, विदाउट सीजिंग प्रे विदाउट सीजिंग, जैसे बताया था हमने लास्ट टाइम इस ऑर्थोडॉक्स चर्च क्रिश्चियनिटी में बहुत सारे डिविजन है, तो रोमन कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट है, एंजल चर्च है, तो एक और चर्च है जो रशिया के रशिया वगैरह के सर उस तरफ में जो है उसका नाम ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च, उन लोगों की जो फिलहाल के लिए नाम की जो धर्म ग्रंथ है बाइबल के समान उसको मानते हैं, बाइबल की टीचिंग को एग्जाम्पल के द्वारा उसको दिया गया फिलॉक के लिए, वो फिलॉक के लिए कहा गया प्रे विदाउट सीजिंग, यू मस्ट प्रे एट ऑल टाइम्स विदाउट सीजिंग, बिल्कुल बिना रुके निरंतर लगातार ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। यहां भी यही कहा तस्मा सर्वेश कालेषु मां अनुस्मरत युद्ध, ये प्रॉब्लम हो गया लास्ट में कहेगा तो युद्ध छोड़ना नहीं, युद्ध करते करते निरंतर मेरा स्मरण कर, अपना कर्तव्य कर्म करते करते मेरा निरंतर स्मरण, और यहीं पर हमें मुश्किल होती है। पहली बार हम निरंतर स्मरण कैसे करें, निरंतर स्मरण अभी तो सुबह आधा घंटा शाम आधा घंटे उससे भी कभी कभी होता है कि आप छोड़ो यार आपको बहुत काम है थक गए छोड़ो, आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम भी नहीं होता है, और ये बोले लगातार निरंतर 24 घंटा ये कैसे हो,
और नींद में हम कैसे भगवान का स्मरण करेंगे? नहाते समय धोते समय इतना सारा काम है, ऑफिस में जाना है, इतना सारा काम है, तो 24 घंटा 86,700 सेकेंड होती है सारे दिन, प्रत्येक मनुष्य के अकाउंट में 86,700 सेकेंड जमा हो जाती है उसके अकाउंट में, 86,400 सेकेंड 24 घंटा। और फिर उससे समय जितना उपयोग किया उतना उपयोग हमारा हुआ, फिर बाद में वो दूसरे दिन कैरी फॉरवर्ड नहीं की जा सकती, वो गया हो गया, दूसरे दिन फिर से 86,700 जमा हो। तो प्रत्येक सेकेंड में, एवरी सेकेंड, प्रत्येक सेकेंड हमें निरंतर स्मरण करना है, लगातार स्मरण करना है, एक ही सेकेंड बाद नहीं देना, यह कहा गया। क्यों? कब मृत्यु आ जाएगी? और मृत्यु के समय यदि ईश्वर का स्मरण नहीं हुआ तो क्या होगा? यम यम वापि स्मरण भावं दधिष्यन्ते कले वर्णं तं कले वैति कौन्तेय सदा तद्भावावेदा। हे कुंती पर अर्जुन, यमुनिष्ठ अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वो जिस भाव में उसका चिंतन करेगा उसी भाव को वह प्राप्त हो। यदि अंतकाल में ईश्वर का स्मरण नहीं हुआ तो क्या होगा? जिस भाव का चिंतन करेगा उस भाव को होगा। हमने कहानी देखी थी जड़भरत की, हिरण का चिंतन करते थे तो वो इतने बड़े तपस्वी हिरण का रूप उनको जन्म लेना पड़ा। ऐसे कई ऐसे कारण है कि जहां पर मरते समय जो भावना थी उसी के अनुसार प्राप्त हुआ। तो वह जो क्षण है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है जिस समय प्राण, इसीलिए जब भी हमको समाचार मिलता है कोई भी भक्त कोई भी सन्यासी इनका प्राण चला गया इनकी मृत्यु हो गई, तो हम जाने का प्रयत्न करते हैं ऐसा, तो मरते समय लास्ट में क्या हो गए या क्या किया, उसके ऊपर होगी गति की सदगति होगी ना दुर्गति होगी पता सब पता लग जाए। और विशेष करके श्री रामकृष्णदेव के जो भक्त है, श्री रामकृष्णदेव ने यह आश्वासन दिया ये जो भी मेरी शरण में आएगा उसका यह अंतिम जन्म है उसी मुक्ति हो जाएगी, तो हम जानने का प्रयत्न करते हैं कि वो किस प्रकार से होगी। तो महाराजा अंत समय में श्री रामकृष्ण आकर के उसको ले जाएंगे। और ऐसे कई उदाहरण मिलेगा किस प्रकार से बलराम बसु की आत्मा को श्री राम के जो आए रथ में आकर के ले गए, जो बलराम बसु की स्त्री ने देखा, कई उदाहरण में बताया श्री रामकृष्ण के सन्यासी शिष्य, श्री रामकृष्ण देव के गुरु भक्त, यहाँ तक कि आज के हमारे, वो तो बहुत पहले की बात हो गई, 100 साल पहले की बात है, अभी भी आज भी जो हमारे यहाँ जहाँ काम करता था बेलू मठ में, जहाँ सांसद हजामत का काम किया, तो उसका मुंडन करता था, एक ही मात्र काम का सन्यास मुंडन करता था मूर्त राम, उसकी भी जो उद्योगपति हुई विकास संबंधित समय श्री रामकृष्ण का दर्शन करते करते गंगा के किनारे पर चला गया। ऐसे कई प्रकार के उदाहरण हम लोगों ने देखे हैं कि जहां पर उसकी पूर्वगति हो गई। तो यह जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अंत काल में जो मेरा स्मरण कर लेगा उसकी पूर्वगति होगी, इसकी कई उदाहरण आपको हमको उसके डॉक्यूमेंट एविडेंस मिलते हैं आज भी, और श्री रामकृष्ण महाचार्य ने जो आश्वासन है वो भी मिलते हैं। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदि मेरा स्मरण नहीं किया तो जिस जिस भाव का स्मरण करेगा उसके अनुसार कोई गति होगी। इससे क्या करना चाहिए? अंतकाल में मेरा स्मरण करना चाहिए। अंतकाल कब आएगा वो पता नहीं, किसी भी क्षण वो अंतकाल आ सकता है। तो उपाय क्या है? उपाय यही है कि तस्मा सर्वेश कालेषु सब समय मेरा स्मरण कर, फिर तो सवाल ही नहीं है, जब सबसे में तो स्मरण करेगा, एक भी सेकंड ऐसी नहीं होगी जब तू मेरा स्मरण नहीं करेगा, तो कभी भी मृत्यु होगी तो निश्चित रूप से मेरा स्मरण तुम्हारा बना रहेगा, तो तेरी उद्योगी हो जाएगी। अब ये दसवां सर्वेशु कालेशु महास्मरण ये कैसे किया जाए, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो उसके अंदर बताया कितने प्रकार से उसके समाधान दिए गए, ये उसका सबसे पहले तो ये कहा गया कि दसमा सर्वेशु कालेशु, तो 24 घंटा तो कोई भगवान का नाम ले नहीं सकता। नरसिंह मेहता मीराबाई के समान तो पागल है, सभी लोग पैसे कर नहीं सकते, एफोर्ड भी नहीं कर सकते, फिर जाना है पैसा कमाना है,
लॉजिस्टिक को बंदोबस्त करना है, सुरक्षित करना है, कितने सारे प्रकार के काम है। और भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कह दिया, उनको मालूम था अर्जुन को बोलेंगे कि 24 दिन का मैं कैसे करूंगा, सर्वेश्वर कार्य से कैसे हो सकता है। और उनको मालूम था कृष्ण भगवान को पूरा अर्जुन बोलेगा, अच्छा सर्वेश्वर कार्य से बोलते हैं तो फिर मैं युद्ध करके छोड़ करके बस मैं सर्वेश्वर कार्य में तो यही बोल रहा था, मैं जाऊंगा सन्यासी बन जाऊंगा और सबसे मैं जप करूंगा, भगवान का नाम लूंगा। तो ये भगवान समझते हैं, वो जानते हैं कि अर्जुन तुरंत बोलेगा तब तो मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तुरंत उन्होंने जोड़ दिया तस्मात सर्वेशु कार्यशु मानस युद्ध छात्र में युद्ध भी करना पड़ेगा। अब चुपचाप हो गया अर्जुन, सोचा था कि चलो भाई हमको फिर से छुट्टी मिल गई युद्ध करने से, युद्ध तो करना ही पड़ेगा, सर्वधर्म का पालन करना ही पड़ेगा, कर्तव्य करना करना ही पड़ेगा। अभी यहाँ बहन लोग आई है जाकर के बोले आपको गीता में लेक्चर देकर सुन करके आए हैं और भगवान श्री कृष्ण ने तस्मात सर्वेशु कार्यशु, अब रोसे वसे कुछ नहीं बनेगा, हम चुपचाप भगवान का नाम लेंगे सुबह से इंदिरा भगवान ने कहा है, तो रसोई नहीं बनेगी, खाना नहीं बनेगा तो पति देवता होटल में कितने दिन खाएंगे और आपके लिए होटल में से कब तक लाएंगे, तो 24 घंटा यह संभव ही नहीं है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने साथ में क्या कहा, मां मनुष्य युद्ध देते युद्ध करते करते स्मरण कर, यह कैसे हो, तो इसमें तीन प्रकार के स्मरण हो सकते हैं। एक बोधजन्य स्मरण, बोधजन्य स्मरण का मतलब होता है कि हमारे भीतर जो दिव्य चेतना है उसका सतत हमें स्मरण रहे, वह जो ईश्वर हमारे भीतर है उनका स्मरण हमारे भीतर बना रहे, यह है बोधजन्य स्मरण, जो हमारे स्वरूप है उसका चिंतन बना रहे। ये भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं महामनुस्मरण, महामनुस्मरण मतलब ईश्वर का स्मरण, ईश्वर का स्मरण मतलब उस परमात्मा का स्मरण, जो परमात्मा हमारा हमारे भीतर में हृदय में अवस्थित है तो उसकी अनुभूति हमारे भीतर में बड़ी है, यह है बोधजन्य स्मरण। दूसरा है संबंधजन्य स्मरण, संबंधजन्य स्मरण वो क्या होता है, हमने यदि किसी ईश्वर के साथ संबंध बना लिया, बहुत प्रकार के संबंध है, शांत भाव है जहाँ ईश्वर को हम प्यार करते हैं, दास के द्वारा जब ईश्वर को हम दास हैं और ईश्वर हमारे मालिक है ऐसा भाव रखते हैं, या फिर वात्सल्य भाव है यहाँ की भगवान श्री कृष्ण मानो उनके प्रति वात्सल्य है, ये वात्सल्य भाव कि भगवान मानो की छोटे शिष्य के रूप में है, तो ये वात्सल्य भाव, ऐसे विभिन्न भावों के अनुसार ईश्वर को माता के समान देखना, पिता के समान देखना, माता के पिता समय तुम्हें बंधु से सखा समय हो, बंधु के समान देखना या सखा के समान देखना, कोई भी रिलेशनशिप बना लेना, उस रिलेशनशिप बना लेने के बाद उस रिलेशनशिप को याद करते करते उसका स्मरण करना, तो ये स्मरण स्वतः हो जाता है धीरे धीरे धीरे। ये आपने देखा होगा जिस व्यक्ति के प्रति आपके मन में बहुत प्यार है उसके लिए स्मरण उनको करना नहीं पड़ता, वो अपने आप हो जाता है, हम उसको भूल ही नहीं सकते, स्मरण को हम भूल ही नहीं सकते, विस्मरण होना मुश्किल है। जिस व्यक्ति को हम विशेष रूप से प्यार करते हैं उसको स्मरण करने की हमको उसकी चेष्टा नहीं करनी पड़ती है, वह स्मरण अपने आप हो जाता है, स्वतः हो जाता है। भगवान श्री रामकृष्ण देव उदाहरण जैसे हमने बताया उदाहरण देते हैं किस प्रकार से कोई एक स्त्री मान लो अपने किसी को प्यार करती तो अपने यार को प्यार करती है, उसका दिन रात मन अपने यार में लगा रहता है, काम सब करती है पर एक भी क्षण अपने यार को भूलती है, वह जो उसके उसका प्रेमी है उसको एक क्षण भी नहीं अथवा उल्टा समय तो कोई प्रेमी अपने प्रेमी को भूलते नहीं। यह मानो ऐसा उदाहरण दिया कि जैसे पति पत्नी के बारे में सोचते रहते हैं, पत्नी पति के बारे में सोचते रहते हैं, और उदाहरण दिया माँ बच्चा बच्चे के प्रति उसका इतना प्यार है, बच्चा स्कूल गया तो उसका मन बच्चे नहीं है तो बच्चे को बिल्कुल भूल नहीं सकती, सब तरह उसका स्मरण बना रहा है और ये स्मरण उसको लाना नहीं पड़ता, अपने आप आएगा,
जहां उसकी आसक्ति होती है तो जहां यूर माइंड भी वेर यूर ट्रेजर इज, जहां खजाना है वहां तुम्हारा मन रहेगा। तो जैसे खजाने की तरफ कहा गया तो खजाने में मन रहेगा, जहां व्यक्ति के आसक्ति के रूप में कहा गया वहां व्यक्ति के रूप में रहेगा। तो इसलिए तस्मात् सर्वेषु कार्येषु में जहां एक हमने कहा बोधजन स्मरण, दूसरा हमने संबंधजन स्मरण, संबंध यदि हमारा बना लेते हैं तो सब समय एक अंतर्करण रहता है जहां प्रति ईश्वर का स्मरण रहता है, क्योंकि हमने उसके साथ संबंध बना लिया, उसके प्रति हमको प्यार हो गया, वो प्यार के कारण हमको स्मरण करना नहीं पड़ता बल्कि विस्मरण अपने आप, स्मरण अपने आप होता है, विस्मरण हम नहीं कर सकते। ऐसे पर यदि सत्पुर में हम किसी को प्यार करते हैं तो ये संबंधन स्मरण, परंतु वो तो स्थिति किसकी है, नरसिंह मेहता की मिलन है, वो स्थिति पाने में उनको समय। तो तीसरा है और एक प्रकार का स्मरण यह है क्रियाजन स्मरण। तो क्रियाजन स्मरण में भी हम दो प्रकार कर सकते हैं कि जब हम क्रिया कर रहे हैं, तीन प्रकार को सुख क्रिया कर्म करते करते ईश्वर का स्मरण करें। एक क्रिया कर्म जो कुछ भी हमारा कर्तव्य कर्म है, ये कर्तव्य करते समय हम ईश्वर का स्मरण करने का प्रयत्न करें। दूसरा स्मरण करते करते हम ईश्वर का काम करें। इस दोनों में थोड़ा सा फेर, यहां स्मरण मुख्य है और कर्म गौण है, वहां कर्म मुख्य है स्मरण गौण है, पर दोनों में स्मरण तो है और कर्म भी है। और तीसरा है कि हम वो जो कर्म करते हैं उसी को हम इस प्रकार से पूजा में परिवर्तित करते रहते हैं कि यह दृढ़ धारणा हो जाती है कि यह कर्म और यह स्मरण मानो एक हो जाते हैं, कर्म पूजा बन जाता है। तो यह कैसे होता है कि जैसे हमने बताया कि पहले तो जैसे ईश्वर का स्मरण करते करते हमने कुछ काम किया तो ईश्वर का स्मरण करते हैं, साथ साथ में हमने जो मैकेनिकल कुछ काम है किए जो कि जिसमें कि हमारी कॉन्शियसनेस आवश्यकता नहीं रहती, उसी प्रकार में कुछ काम ऐसे जिसमें हम स्मरण साथ साथ में कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम अभी रसोई बना रहे तो रोटी बनाते समय कुकर में हमने कुछ रख दिया, उस समय अब कुकर तो अपने आप कर रहा है, उस समय हमारे पास जो समय साथ साथ में स्मरण कर लेते हैं, ईश्वर का स्मरण करते हैं, ईश्वर का भजन करते हैं, गीत गाते हैं या भजन सुनते हैं, ये मानो एक साथ हो रहा है। तो ये स्मरण भी हो रहा है, कर्तव्य कर्म भी हो रहा है, तो युद्ध भी हो रहा है, स्मरण भी हो रहा है। तस्मात् सर्वेषु कार्येषु मां अनुस्मरण युद्ध से, ये दोनों एक साथ हो। और इसमें भी हमने कहा था कि स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं कि इसको किस प्रकार से यह स्मरण मनन को कार्य के साथ हम कर सकते हैं, उसके कई उपाय बताए। जैसे इतना कंपनी ने स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने कहा तीन स्टेज है, पहले वर्क एंड वर्शिप, दूसरा वर्क एज वर्शिप, तीसरा वर्क इज वर्शिप। तो धीरे धीरे पहले तो वर्क एंड वर्शिप, तो हमने क्या कहा कि हम सुबह शाम आधा घंटा सुबह स्मरण करेंगे, शाम को आधा घंटा ईश्वर का स्मरण करेंगे, बाकी समय हम काम करेंगे, धीरे धीरे हम स्मरण का समय बढ़ाएंगे, पर इतना भी बढ़ नहीं 24 घंटा तो हो नहीं सकेगा, एक क्षण भी विस्मरण नहीं होना चाहिए। ऐसा कहा तस्मात् सर्वेषु कार्येषु, ये नहीं कहा कि आधा समय 24 घंटे में से 12 घंटा ईश्वर का स्मरण करना और 12 घंटा युद्ध करना, ये नहीं कहा। स्मरण तो सब समय करना, युद्ध भले 4 घंटा करो 6 घंटा करो 8 घंटा करो, उसके लिए कोई छोटा सेशन जितना तुम्हारे को, पर यहां पर कोई भी एग्जेम्प्शन नहीं, 24 घंटा 86 या 400 सेकंड कुछ भी उससे एक भी क्षण बाकी नहीं जाना, ये कैसे हो सकता है। इसलिए यह जो धीरे धीरे हम लोग कितना भी काम बढ़ाएंगे, ये हमारा स्मरण का समय बढ़ाएंगे, यह जो तस्मात् सर्वेषु कार्येषु नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, जो काम हम कर रहे हैं उसको भी पूजा के रूप में लेना पड़ेगा कि हे ईश्वर ये तुम्हारी पूजा है, ये तुम्हारा कार्य है,
तो यदि ये रहेगा तो क्या होगा कि कार्य भी चल रहा है, साथ साथ में ये भी बोल हो रहा है यह मेरा काम नहीं है, ईश्वर तुम्हारा काम। तो यह यदि ये आता है तो यह भी मानव ईश्वर के स्मरण में परिवर्तित हो जाए। ऐसा करते करते एक से जाते जब सतुष्णा को लगता है ये कार्य नहीं पूजा वर्ष 20 वर्ष जब हो जाता है तब फिर हमारे वो कंपार्टमेंट नहीं रहता। तस्मात समय पाले को मानव स्वयं फिर वो आ गया सिद्धि की स्थिति, पर वो सिद्धि की स्थिति आने के पहले हमको वो साधना की स्थिति में जाना पड़ेगा, वर्क एज वर्शिप करने का प्रयत्न करना पड़ेगा। तो उसके लिए बहुत सारे उपाय हैं। हमने जैसा पिछले समय बताया था कि रामकृष्ण मिशन के दल पे प्रमाणित पूरी वीरेश गांधी महाराज का ये फेवरेट श्लोक बार बार कहते थे महापुरुष स्वयं युद्ध। तो ये जब कहा जा रहा था तब तो महाराज को कहा कि भाई इस प्रकार से कैसे हो सकता है, तो उन्होंने कहा बाय प्रैक्टिस, हाउ टू प्रैक्टिस द प्रेजेंस ऑफ गॉड, ये प्रश्न उनको पूछा गया। तो उन्होंने कहा बाय प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते होगा। कई उदाहरण भी प्रैक्टिस करते करते अभी जो तुम साइकिल चलाना नहीं जानते, साइकिल पर जैसे ही बैठे पहले तो यही होता है कि 3 पहिए होंगे तो अच्छी ठीक है, 4 पहिए होंगे 2 पहिए तो कैसे चलेगा, 2 ही पहिया है तो बैलेंस कैसे रहेगा, जैसे चढ़े गिरे जैसे चढ़े गिरे, फिर बात फिर भी बोला भी हम नहीं चढ़ेंगे। उसके बाद हम बोला अच्छा भाई हम पीछे से पकड़ के रखते हैं तुम चला, ऐसा करते करते चलाते चलाते पीछे देखा है एक बार फिर चला फिर चला फिर बात उसने छोड़ दिया चल रही है, बोले अरे मैं तो कब तक छोड़ दिया, वाह चली गई साइकिल बिना किसी सहारे के, 2 पहिए पर साइकिल चलाना शुरू कर दिया, बहुत एक दिन में नहीं हुआ प्रैक्टिस। तो इसी प्रकार से यह जो स्मरण की प्रैक्टिस 1-2 दिन में नहीं होगी, स्मरण करने की तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो एक वीरेश्वर मैंने कहा भाई प्रैक्टिस, उन्होंने फिर एक किताब का नाम दिया ब्रदर लॉरेंस की किताब प्रैक्टिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड, बहुत अच्छी किताब है, जहां की ब्रदर लॉरेंस ये कार्मेलाइट मॉन्क थे, क्रिश्चियन मॉन्क थे, वो पहले आर्मी में थे उस समय उनका पैर कट गया तो अपंग थे, तो फिर दूसरा कुछ काम तो नहीं कर सकते थे मॉनेस्ट्री में, उनको काम दिया गया था रसोई बने, रसोई बना बस ही तुम्हारा। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो सोच के रखा था कि सब समय प्रार्थना करनी पड़ेगी ईश्वर को, पर ये ईश्वर की प्रार्थना करने बैठे थे उनका मन इधर उधर भागता रहता था, वो तो उनसे हुआ नहीं। तो उन्होंने क्या कहा, वो रसोई जब बनाते थे तो वो रस भगवान के साथ बातचीत करते, ये भगवान ये तो काम तुमने सौंपा पर मैंने फिर ये रसोई तो कभी बनाए नहीं, अभी आज बोला ये सब्जी बनाओ ये तो मैंने कभी बनाया नहीं, तुम्हें मेरे पर कृपा करो, तुम्हें मुझे बता दो कैसे करना है, तुम्हारे बिना कोई होगा नहीं, तुमने मुझे काम दिया है। सब तो ईश्वर के साथ होता है, जहां पे सब्जी खराब हो गई तो देखिए भगवान ये तो सब्जी खराब हो गई आप मुझे बताइए अभी ऐसा ना हो, फिर सब्जी अच्छी होगी भगवान देखिए आपकी कृपा से सब्जी अच्छी हो गई, सब लोगों ने प्रशंसा की अच्छा आज ऐसा हुआ, वो सब समय भगवान के साथ बात करते रहे, मिल ये हुआ तो हुआ भगवान ऐसा याद हुआ ऐसा किया। ऐसा करते 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 ऐसी स्थिति हो गई, उन्होंने कहा कि पहले भगवान का स्मरण करना मेरे लिए बहुत कठिन था, जहां भगवान का स्मरण करने बैठता था मन इधर उधर, बाद में ऐसी स्थिति हो गई कि भगवान का विस्मरण करना उतना ही कठिन हुआ जितना कि स्मरण करना कठिन, विस्मरण का भी कारण अपने आप ईश्वर का स्मरण हो जाता। तो यह प्रैक्टिस ये समय ऐसा हो गया, प्रैक्टिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड बाय ब्रदर लॉरेंस, बहुत ही सुंदर छोटी सी किताब है जिसमें वो ईश्वर के साथ कैसे वार्तालाप करते हैं, तो कुछ पत्र भी है जिसमें उन्होंने कहा कि वो उनको दूसरा कोई उपाय नहीं था, क्योंकि उपासना में बैठते थे भगवान को मन नहीं लगता था, तो उन्होंने अपना एक नया उपाय निकाला, भगवान के साथ हमेशा बातचीत करते हैं जो कुछ भी भगवान ऐसा देखिए भगवान ऐसा हो गया और मैं तो क्या हो गया, और उनको तो कोई अपंग थे तो कोई उनको ठीक से देखता भी नहीं था, तो पीछे में से तो केवल रसोई का काम करते करते इतने महान संत हो गए लॉरेंस, केवल रसोई का काम किया, पर रसोई का काम करते करते यह जो कहा मां अनुस्मर युद्ध ये करते करते वो इसी स्थिति पे पहुंच गए। तो इसके बाद में हम लोगों ने ये जो प्रेयर ऑफ द हार्ट की बात करी थी,
ही वहां पर क्रिश्चियन जो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च में आता है वे आर द पिलग्रिम की हमने बात कही थी। तो वे आर द पिलग्रिम प्रैक्टिकल प्रेजेंस ऑफ गॉड, ये दो इस पुस्तकों से हमको यह मिलता है किस प्रकार से हम ये सर्वेश दसमा सर्वेश कॉलेज मामले सर्वे से कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और फिर यह जो क्रियाजन्य स्मरण है उसने स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने जो कुछ बातें बहुत अच्छी कही है वो भी बातें हम करेंगे। और फिर इसके लिए स्वामी वीरेश्वर जी महाराज ने भी कुछ और भी इसके बारे में बहुत ही अच्छे हम लोग को उपाय बताया है। पर ये बहुत ही महत्व का है हमारे दैनिक जीवन के लिए। हमने जैसे कहा कि भगवदगीता का संदेश न केवल हमें जीने की कला सिखाता है, मरने की कला भी सिखाता है कि किस प्रकार से हमें मरे, हम मरे ताकि हमको फिर से जीना न पड़े, हम साक्षर शांति को प्राप्त हो जाएं। मरने की कला भी सिखाता है, जीने की कला भी सिखाता है ये भगवदगीता का संदेश। तो इसकी और आगे की चर्चा हम लोग अगले युवा को करेंगे। आगे